नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर जन्मो जन्म तक साथ रहने की कसमें खाने वाले पति ने रिश्तों को एक बार फिर तार तार किया है। पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर सनसनी फैला दी है। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कर पति को मौके पर ही गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली शहर क्षेत्र के दीवानी न्यायालय रोड का है, जहाँ जनपद कुरुरा थाना क्षेत्र के ग्राम तखराऊ निवासी रत्नेश पुत्र रामदास का उसकी पत्नी रूबी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो मैनपुरी न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय में तारीख करने दिल्ली से जनपद मैनपुरी पहुंची रूबी और उसके पति रत्नेश का बच्चों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए महिला के पति रत्नेश ने सड़क पर ही तमंचे से अपनी पत्नी रूबी को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी रत्नेश भाग रहा था, तभी न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी रत्नेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने घायल रूबी देवी को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। आरोपी रत्नेश से पुलिस पूछताछ कर रही है। मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रूबी। क्या नाम है आपका? दर्द हो रहा। नहीं, क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी। पति का नाम क्या है? रत्नेश। कहाँ के रहने वाले हैं? तखराऊ। तखराऊ। कैसे कैसे गोली लगी आपको? गोली मार दी। किसने मारी है? रत्नेश। आपके पति ने? क्या तारीख वारीख पे आए थे? क्या तारीख करना आए थे? किस चीज का केस चल रहा आपका? हमें घर से निकाल दो मार के। अच्छा, कब से? कितना समय हो गया आपको? डेढ़ साल। दीवानी पे मारी है? दीवानी गेट पे। हाँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। कहाँ हैं बच्चे? आए थे साथ में घर पे? हैं हम दीदी घर पे। तारीख करना आए थे, उसके पति ने गोली मारी है। क्या पूरी है घटना? है घटना ये है, रूबी नाम है महिला का, रूबी पत्नी रत्नेश, इसमें विवाद चल रहा था, पारिवारिक कोर्ट में इनका विवाद चल रहा था, उसी में ये आज तारीख पर आई थी। और इसके पति ने दो बच्चे हैं, कि बच्चों को लेकर कोई झगड़ा हुआ, न्यायालय परिसर के गेट से 100 मीटर अलग पहले इनमें विवाद हुआ और उसके दो गोली मारी उसको। इसमें उसके एक गर्दन में लगी है और एक जांघ में लगी है। अभी वो बोल रही है और यहाँ से मैनपुरी से उसको सैफे रेफर कर दिया गया है अस्पताल। क्या कोई तहरीर वगैरह अभी तक आई? आरोपी की क्या गिरफ्तारी हुई है या फरार है अभी? आरोपी को पकड़ लिया गया है मैं तमंचे के, और अभी तहरीर वगैरह नहीं आई है।